वेलकम, मेरा नाम अनुमान, आप देख रहे हैं TechHoz, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। भाई आज चैनल के ऊपर मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो को अपलोड किया, जिसके अंदर हम लोग ने बात की थी कि Infinix के फोन्स के अंदर में कौन कौन से कमाल के हिडन फीचर्स मिलते हैं, टिप्स और ट्रिक्स वगैरह के बारे में बात की थी। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप लोग Infinix का कोई फ़ोन यूज़ कर रहे हो, लिंक आपको नीचे प्रोवाइड करूँगा, लाजमी तौर पर चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, सैटरडे वाले दिन न्यूज़ इतनी होती नहीं है, तो मे बी कल TechHoz ना आए। मेरी पूरी कोशिश होगी, फुल कोशिश होगी कि TechHoz आ जाए, लेकिन अगर इन केस नहीं आता तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि संडे को हमारी क्यू एन ए की वीडियो आती है, तो कल अगर इन केस नहीं आता तो आप लोगों के क्वेश्चन स्किप नहीं होने चाहिए। कल अगर TechHoz आ जाता है तो आप लोग कल दोबारा से कोई और कमेंट कर सकते हो, लेकिन अपने जो क्वेश्चन हैं लाजमी तौर पर पूछ लीजिएगा। आइसक्रीम वाला नहीं, ये पॉपकॉर्न वाला। बात करें आज की पहली अपडेट की जो कि आ रही है ओप्पो के रिलेटेड, तो भाई फाइनली ओप्पो ने चाइना की मार्केट के अंदर रीनो 7 सीरीज को लॉन्च कर दिया हुआ है। तीन मॉडल्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया, रीनो 7 सिंपल है, प्रो और एक एससी है। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ सिंपल रीनो 7 के बारे में, क्योंकि भाई दूसरे जो वेरियंट्स हैं हमारे लिए इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एक मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है, जो लाइट आनी थी ना बैक साइड के ऊपर कैमरा के मॉड्यूल के अराउंड में, वो सिर्फ आप लोगों को रीनो 7 प्रो के अंदर मिलेगी। जो सिंपल रीनो 7 है उसके अंदर उन ने किसी किस्म की कोई भी लाइट नहीं लगाई, तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। देखने के अंदर वो लाइट काफी ज्यादा कूल लगती है। खैर अगर हम लोग बात करते हैं रीनो 7 के डिजाइन की, तो सेम आप लोगों को वही डिजाइन मिलेगा फ्लैट साइड्स के साथ, काफी कमाल का प्यारा डिजाइन है। फ्रंट के ऊपर साइड कॉर्नर में एक पंच होल है। स्पेसिफिकेशंस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, स्नैपड्रैगन 778G का प्रोसेसर है, 64MP का मेन सेंसर है, लेकिन साथ में किसी किस्म की कोई भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मौजूद नहीं है। मुझे लगता है कि इस ब्रैकेट के ऊपर अब ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का होना काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन भाई आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। 4500mAh की वही सेम बैटरी है, फास्ट चार्जिंग कहीं पर लिखी मुझे मिल नहीं रही थी, तो बाद में उसके बारे में कभी बात कर लेंगे। पाकिस्तान के अंदर प्राइस की बात करते हैं तो 74,000 तकरीबन बन रही है, जब हम लोग चाइनीज करेंसी से डायरेक्टली तो ऊपर कन्वर्जन करते हैं, और अगर ये 70 से लेके 75,000 के रेंज के अंदर आता है तो काफ़ी एक अच्छी डील होगी, क्योंकि जो स्नैपड्रैगन 778G है ना, इस प्राइस के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। तो लेट्स सी कि ये कब आता है, लेकिन ये इतनी कोई खास ज़्यादा जल्दी नहीं आएगा, काफ़ी लेट ही आएगा। अभी आप लोग इसका वेट शेट ना कीजिएगा, जो और आप लोगों को ऑप्शन मिल रहे हैं आप उनकी तरफ जा सकते हो। अगली अपडेट आ रही है व्हाट्सएप के रिलेटेड, तो भाई व्हाट्सएप वेब के अंदर अब आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा कि आप लोग अपनी किसी भी कस्टम पिक्चर को कार्टून की शेप के अंदर कन्वर्ट करके किसी को सेंड कर सकते हो, मतलब कि जिस तरह हमारे कार्टून टाइप के करेक्टर होते हैं ना, इस किस्म का फीचर मिलेगा। लेकिन ये वाला जो फीचर है अभी व्हाट्सएप वेब के अंदर आया है, मोबाइल के अंदर आता है या फिर नहीं आता, कब आता है पता नहीं, क्या सीन बनता है वो अभी तक चीज़ कन्फर्म नहीं है। लेकिन अगर आप लोग किसी को अपनी पिक्चर एज अ कार्टून के तौर पर भेजना चाहते हो, तो आप लोग ने व्हाट्सएप वेब के अंदर जाकर, अभी पाकिस्तान के अंदर आई थिंक नहीं है, अटैचमेंट में जाकर कोई भी पिक्चर अपलोड करके उसको ऑटोमेटिकली ट्रांसफर करके सेंड कर सकते हो। अगली अपडेट आ रही है सैमसंग के रिलेटेड, अब एक चीज़ तो आप लोगों ने सुनी होगी वो जो 3 इडियट्स में थी बात, कि अगर दोस्त के ज़्यादा नंबर आ जाएँ तो ज़्यादा दुख होता है, इस टाइप की जो एग्जैक्ट मुझे डायलॉग याद नहीं आ रहा। अब हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर सैमसंग के फोन एक्सिनस के प्रोसेसर्स के साथ आते हैं, दूसरे कुछ कंट्रीज के अंदर स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स के साथ आते हैं। अब सैमसंग ये काम करने वाला है कि उनकी जो एक्सिनस प्रोसेसर की पूरी लाइनअप है ना, उसका जो यूज़ है उसको इंक्रीज करने वाला है, मतलब कि जो वो थर्ड पार्टी प्रोसेसर्स को बाय करते हैं उनको कम करने वाले हैं। हमें ये टेंशन नहीं होती कि एक्सिनस के प्रोसेसर की परफॉर्मेंस ख़राब है, मतलब कि ठीक नहीं है, होती वो ठीक है, लेकिन जब आप लोग उसको कंपेयर करते हैं ना स्नैपड्रैगन वाले वेरियंट के साथ, तो उसके कंपेरेटिवली थोड़ी सी कम होती है। अब सभी को कम मिले तो हम ओके हैं, लेकिन किसी को ज़्यादा मिल रही है तो हमें कम मिल रही है, तो ये चीज़ तो हमसे बर्दाश्त होती नहीं है। तो मेरी तो यही दुआ है भाई, स्नैपड्रैगन को गोली मार दो सैमसंग वालों, और एक्सिनस को ही लेके आओ, ताकि हमें कोई कंप्लेंट ना करनी पड़े कि भाई वहाँ पर ये क्यों है, यहाँ पर ये क्यों चल रहा है। तो लेट्स सी कि ये लोग क्या करते हैं। अगली अपडेट आ रही है रियलमी के रिलेटेड, तो भाई रियलमी GT 2 Pro, अब रियलमी GT सीरीज़ के नाम इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए वरना कि जो नाम है वो बंदे को ऊपर से देख के पढ़ना पड़ता है, कोई GT 2 Pro, GT New 2 Pro, पता नहीं क्या क्या ये लोग कर रहे हैं। उसके जो N22 बेंचमार्क स्कोर्स है ना, अब आप लोग भी भूल गए होंगे हम लोग किस स्मार्टफोन के बारे में बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे हैं GT 2 Pro के बारे में। N22 के जो स्कोर हम निकल के सामने आ चुके हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 10 लाख से ज़्यादा का स्कोर है। जो प्रोसेसर यूज़ किया जाएगा वो स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का प्रोसेसर यूज़ किया जाएगा, स्नैपड्रैगन 898 नाम रख लेते, अच्छी चीज़ थी, पता नहीं इनको कहाँ से कोई आई है वाइब, इन लोगों ने अजीब सा नाम रख लिया हुआ है।
लेट्स सी कि भाई ये वाली डिवाइस कब आती है, लेकिन इतनी खास जल्दी डिवाइस नहीं आएगी, ये 2022 के अंदर ही आएगी। और हो सकता है कि ये वाला फोन रियलमी का वही फोन हो जिसके बारे में वो लोग ऑलरेडी हिंट दे चुके हैं कि भाई अब हम लोग जो फ्लैगशिप कैटेगरी है ना $800-900 से ऊपर वाली उसके अंदर घुसने वाले हैं। तो इसका मतलब तो फिर यही बनता है, अगर आप लोग ये प्रोसेसर यूज कर रहे हो एमोलेड चैमलेड डिस्प्ले ये वो, तो भाई इन लोगों ने फिर आईफोन और जो सैमसंग की एस लाइनअप है उसके ऊपर पहुंचना है। मैं तो कहता हूं जल्दी जल्दी पहुंचे ताकि हमें भी पता चले कि जब नए प्लेयर्स आते हैं तो किस तरह परफॉर्म करते हैं, हमारे लिए भी ऑप्शंस डेफिनेटली बढ़ने चाहिए। अगली अपडेट आ रही है इन्फिनिक्स के रिलेटेड, तो भाई इन्फिनिक्स और टेक्नो, भाई भाई आप लोगों को पता है जब इन्फिनिक्स यह काम करता है तो टेक्नो ने वो करना होता है, टेक्नो करता तो इन्फिनिक्स ने भी करना होता है। बेसिकली मुझे लगता है पीछे से इन लोगों की एक ही प्लानिंग चल रही होती है, वक्फे वक्फे के साथ ही उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। हम लोग ने बात की थी बहुत पिछले कुछ दिनों के अंदर के टेक्नो का 5G फोन आ रहा है, पोवा 3 होगा जो भी होगा, अभी इन्फिनिक्स के बारे में ये चीज़ निकल के सामने आ चुकी है, कुछ पिक्चर्स भी सामने हैं। आप लोग पहले पिक्चर्स के ऊपर देखो भाई, सीधी सीधी कॉपी छापा छुपा मार लिया इन लोगों ने। ओप्पो फाइंड एक्स 3 का जो हमें फ़ोन मिला था वही डिज़ाइन था, आप लोगों को बैक साइड के ऊपर वही जो मतलब कैसे स्लाइड सट डिज़ाइन मिलेगा कैमरा का, मुझे नहीं पता कि कॉपी राइट इन लोगों ने मतलब कोई फॉलो किए हैं या फिर नहीं किए। वैसे बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स ओवर है, ये बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर नहीं आती, क्योंकि जो ओप्पो है ना वो तो बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आती है, तब और बात ही ये ट्रांसिशन का पूरा ग्रुप है और वो अलग ग्रुप के अंदर चाइनीज़, तो पता नहीं इन लोगों का कोई कॉपीराइट का इशू है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कोई सीन है या फिर नहीं है, क्योंकि चाइना के अंदर वो चलता चुलता नहीं है, ये सीधी सीधी डायरेक्ट कॉपी ही मार रहे होते हैं। लेकिन जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, अब इसको मैं प्यारा डिज़ाइन नहीं कहूँगा क्योंकि भाई मुझे प्यारा ये बिल्कुल भी नहीं लगा था, जब ओप्पो ने भी यूज़ किया था तो डिज़ाइन हमारे लिए मैटर नहीं करता, हमारे लिए स्पेक्स मैटर करती हैं। तो स्पेसिफिकेशन के अंदर ये चीज़ कही जा रही है, अच्छा इसको ये भी कहा जा रहा है कि 011 सीरीज़ के अंदर आएगा या फिर इन्फिनिक्स 05G होगा, इस किस्म का कोई नाम होगा, नाम अभी तक कंफर्म नहीं किया गया। एमोलेड डिस्प्ले कहा जा रहा है 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ, मीडियाटेक का डायमेंसिटी 900 का प्रोसेसर होगा, और इसके अलावा फास्ट चार्जिंग क्या होगी, कैमराज क्या होंगे, इसके बारे में किसी किस्म की कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल के सामने नहीं आई। लेट्स सी कि ये लोग क्या करते हैं। मुझे एक चीज़ इन्फिनिक्स को ये कहनी है कि भाई अभी जो 5G है ना उसका सीन काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो आप लोग अपने फ़ोन के अंदर सिर्फ 5G को ही ना रखिएगा, एक यूनिक सेलिंग पॉइंट अगर आप वो रखोगे तो भाई कुछ मुश्किल हो सकती हैं। दूसरी जो स्पेसिफिकेशन हैं अभी वो बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी, तो के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है 5G को छोड़कर। अगली जो अपडेट आ रही है ये आ रही है पाकिस्तान के अंदर PTA मोबाइल फ़ोन कंपनीज FPR टैक्स चेक्स के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान के अंदर एक पार्लीमानी अब ये तो लफ्ज़ मैंने पहली दफ़ा सुना था, पार्लीमेंट्री पैनल एक होता है जिसके अंदर पार्लियामेंट के कुछ लोग वगैरह होते हैं, उन लोगों ने मीटिंग की PTA के कुछ लोगों के साथ और FIA के कुछ लोगों के साथ। अब इस मीटिंग के अंदर उन लोगों ने चीज़ें डिस्कस की पाकिस्तान के अंदर जो मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं उनको क्या क्या टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। यहाँ पर जो बात हो रही है वो PTA की रजिस्ट्रेशन वाली बात नहीं हो रही, बल्कि जो मोबाइल कंपनीज पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं उसके अलावा जो हम लोग कार्ड वगैरह लेते हैं, जो रिचार्ज वगैरह करते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग सामने आई कि हम लोग जब फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये का बैलेंस करवाते हैं ना तो उसके ऊपर हमें 10% के करीब जो हमारा टैक्स होता है विद होल्डिंग टैक्स वो देना पड़ता है, और तकरीबन 19.5% के ऊपर सेल्स टैक्स देना पड़ता है। अब मुझे नहीं पता कि कहाँ पर वो लोग रहते हैं जिनको ये टैक्स देना नहीं पड़ता, मतलब कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको विद होल्डिंग टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया हुआ टैक्स के पूरे मामला के अंदर, मतलब कि जो कंपनीज है ना वो वाला टैक्स ले रही हैं जो कि कुछ लोगों के ऊपर लगता ही नहीं है, एक्स्ट्रा टैक्स ले रही हैं। जो टैक्स की इन्फॉर्मेशन मुझे इतनी ज़्यादा नहीं है, आप लोगों को मैं सीधे सीधे अल्फाज के अंदर बता रहा हूँ। अब इसके बारे में बात की गई, इसके अलावा जब पूछा गया भाई PTA वालों से या फिर FPR वालों से, पहले मैंने आई थिंक FIA कह दी, FPR की बात हो रही जो टैक्स वगैरह को डील करते हैं, उनसे पूछा गया कि जो मोबाइल कंपनीज पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं इन्होंने कितना टैक्स पे किया है, लाइक हमें डिटेल दें ना, पार्लियामेंट्री कमेटी ने पूछा पैनल ने, तो आगे से ये जवाब दिया जाता है कि भाई वो तो लॉस के अंदर चल रहे हैं, उनको तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, मतलब कि आप इमेजिन कर सकते हो कि पाकिस्तान की जो कंपनीज है टेलीकम्युनिकेशन की वो लॉस के अंदर चल रही हैं। तो आगे लोगों ने पूछा कि भाई अगर लॉस के अंदर चल रही हैं तो मतलब चल कैसे रही हैं, मतलब व्हाट्स द सेंस, कोई सेंस है इस बात की, वो एक मीम भी चल रहा था। तो ये पूरा सीन हुआ, उसके बाद फाइनली कहा गया PTA को और FPR को कि भाई अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको चेंज किया जाए, जो यूज़र्स हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ टाइप दिया जाए, मतलब कि यूज़र्स के हक में इनको चेंज किया जाए। कौन से चेंज किए जाते हैं, कोई टैक्स कम होता है या नहीं होता है, ये तो हमें चीज़ें बाद में ही पता चलेंगी, लेकिन ये अपडेट आई थी। नीचे जो ब्लॉग का लिंक है मैं लगा दूंगा, आप लोग अगर खुद से पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो बस आज के लिए मेरे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो
वीडियो खत्म करते हैं जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाजमी तौर पर चेकअप कर लीजिएगा, लिंक मैंने नीचे अटैच कर दिया हुआ है। क्वेश्चन आप लोगों के भी कमेंट कर दीजिएगा, जाने से पहले वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कीजिएगा, चैनल के ऊपर नया सब्सक्राइब किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।